नालासोपारा में बच्चे के सर पर गिरी नुकीली ग्रिल, फुटपाथ पर दुकानदार द्वारा किए गए अतिक्रमण के चलते बच्चा हुआ जख्मी। नमस्कार, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। वसई विरार नालासोपारा में अवैध अतिक्रमण का चलन पुराना है। फेरी वाले सड़कों पर और दुकानदार फुटपाथ पर अतिक्रमण करते दिखाई पड़ते हैं। नालासोपारा में ऐसे ही एक अतिक्रमण के चलते आज एक बच्चा बुरी तरीके से जख्मी हो गया। ये मामला कुछ इस प्रकार है कि नालासोपारा पूर्व के अचोले रोड पर रंगीला स्टील नामक ये दुकान है और इस दुकान के मालिक ने लगभग आधे फुटपाथ पर कब्जा करते हुए नुकीली ग्रिल ऊपर लटका रखी है। आज दोपहर करीब 12 बजे के आसपास 4 वर्षीय मासूम स्कूल से छूटकर अपनी मां के साथ घर जा रहा था। घर जाते समय फुटपाथ पर चलते हुए वह रंगीला स्टील नामक इस दुकान के सामने पहुंचा और दुकान में ऊपर लगी हुई नुकीली ग्रिल उसके सर पर गिर गई, जिसके चलते बच्चा बुरी तरीके से जख्मी हो गया। उसके सर पर गहरी चोट आई और खून निकलने लगा। बच्चे की ऐसी हालत देखकर मां ने दुकानदार से मदद की गुहार लगाई, लेकिन दुकान मालिक ने ये कहते हुए मदद करने से इनकार कर दिया कि वह इन सब झंझटों में नहीं फंसना चाहता। जिसके बाद घबराई मां बच्चे को अकेले ही नजदीकी अस्पताल लेकर गई, जहां पर बच्चे के सर पर 5 टांके आए। डॉक्टरों की माने तो चोट ज्यादा गहरी थी, यदि थोड़ी भी देर हो जाती तो बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी। बताते चलें कि जिस इलाके में रंगीला स्टील नामक यह दुकान है, वह इलाका वसई विरार शहर महानगर पालिका की प्रभाग समिति ई अंतर्गत आता है, जहां की प्रभारी सहायक आयुक्त नीता कोरे हैं। बीते दिनों हमने आपको खबर के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से नालासोपारा पश्चिम में भी एक ऐसा अवैध अतिक्रमण है जिससे बरसात के समय में दुर्घटना हो सकती है, लेकिन नीता कोरे मैडम ने वहां पर भी ध्यान नहीं दिया। आज की इस घटना से ये समझा जा सकता है कि मैडम के इलाके में ऐसे कई अवैध अतिक्रमण हैं जो सरेआम दुर्घटनाओं और मौत को दावत देते नजर आ रहे हैं, लेकिन नीता कोरे उसे पूर्ण रूप से नजरअंदाज करती दिखाई पड़ रही हैं। अब देखना यही होगा कि बच्चे के साथ हुए इस हादसे के बाद कब मनपा प्रशासन जागती है और इस रंगीला स्टील नामक दुकान पर क्या कार्रवाई करती नजर आती है। अब रंगीला स्टील वाला जो है, उसके दुकान के बाहर उसने फुटपाथ पे ऑलरेडी उसने पूरा जगह घेर के रखा हुआ है, और फुटपाथ पे जगह घेरने के बावजूद उसने ऊपर जो दुकान के ऊपर शटर के आगे उसने नोकीले धारदार उसके स्टील के पार्ट जो उसने बेचने के लिए वहाँ पर डिस्प्ले पे रखे हुए, अब वो आते जाते लोगों को लग सकता है। आज मेरे बच्चे को लगा है जिसको चोट लगी है, बरोबर, अब उसको 5 टाके आए। कल उसको हॉस्पिटल लेते जाते जाते मैं था नहीं, मेरी वाइफ थी, वो लड़का मेरा बेहोश हो गया था, उसके बावजूद उस दुकान वाले ने ना कोई हेल्प की, उल्टा उसका ये कहना है कि मैं पावती भरता हूँ VVCMC को और मेरा हक है बाहर लगाना। बात तो यही हो गई कि उसने आज की तारीख में नगर पालिका को खरीद रखा है। आज मेरे बच्चे को इतना लगा है, कल किसी और के बच्चे को भी लग सकता है। आज डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर का ये बोलना था कि इंजुरी काफ़ी सीरियस है, हो सकता है कि किसी और को अगर ऐसा बच्चे को लगे तो डेथ भी हो सकता है। सर, मेरा डिमांड एक ही है कि पुलिस, नगर पालिका इस पे कार्रवाई करे। नगर पालिका खास करके देखे कि ऐसे जितने भी अतिक्रमण किए हुए शॉप्स है उनके ऊपर तोड़ कार्रवाई हो। ये रास्ता है, आज बारिश का टाइम है, हर जगह नालासोपारा में पानी भरता है, अचोले रोड पे भी पानी भरता है। लोग फुटपाथ पे नहीं चले गए तो क्या पानी में चले गए? आज बारिश हो रही थी, लोग फुटपाथ से जा रहे, वो स्टील का पार्ट गिरता है, किसी को लगता है, आज इतने में हुआ, कल ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसका क्या, जब तक किसी की मौत ना हो तब तक क्या नगर पालिका या पुलिस वाले इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे? मेरा यही कहना है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस वालों को भी एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।